ब्रेक टाइम ना रहे तो ऐसे लोग जो जुमे की जुमे जाते हैं वो हंगामा मचा देते हैं। इमाम के बच्चे नहीं है, इमाम की रिश्तेदारी नहीं है, इमाम की ससुराल नहीं है, इमाम की ददियाल नहीं है, इमाम की ननिहाल नहीं है, इमाम का कौन नहीं है, इमाम के चचा भी हैं, इमाम के ताऊ भी हैं, इमाम मेरे तुम्हारे तरह आदमी है। मुझे बताओ कहीं कोई मर जाएगा तो इमाम को जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, कहीं कोई पैदा होगा तो इमाम को जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, कहीं किसी को तकलीफ है, कहीं किसी की तबीयत अच्छी है, कहीं किसी की खराब है, हजार जिम्मेदारी इमाम के साथ होती है। अगर एक दो दिन इमाम गैर हाजिर रह जाए तो लोग बेवजह उसका हिसाब करने पर तुल जाते हैं और फिर इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। होना यह चाहिए दो इमाम होने चाहिए मस्जिद में, एक इमाम होना चाहिए, एक नाइब इमाम होना चाहिए। इमाम साहब अगर काम से चले जाएं तो नाइब इमाम उनका काम अंजाम दे सके। इमामों की तनख्वाह बढ़ाओ, अब एकदम तो बढ़ा नहीं सकते, मैं एक तरकीब बताता हूं और फिर हजरत मुफ्ती साहब को आवाज देता हूं। तरकीब यह है कि जब जुमे के दिन इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं, मतलब तकरीर करते हैं या नात शरीफ पढ़ते हैं, मस्जिद में जितने लोग जाते हैं अगर सिर्फ 10 रुपए से इमाम साहब का मुसाफा कर देंगे तो कसम खुदा की आपके पास से 10 रुपए जाएंगे, मेरी मस्जिद के इमाम साहब के पास हजारों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। इमाम साहब के बच्चे खाएंगे, उनके दिल से दुआ निकलेगी। देखो अगर इमामों की तनख्वाह कम होती है तो नमाजें खराब होती हैं। आप कहेंगे कैसे, मैं बताता हूं आपको। इमाम साहब की तनख्वाह 4000, बीबी की दवा चल रही है 3000 रुपया महीना की, 100 रुपया रोज उसकी बीबी की दवा चलती है। अब कितने रुपए बच्चे उसके पास, 1000, उसमें गैस सिलेंडर भी है, उसमें तेल भी है, उसमें नमक मिर्च भी है, उसमें दालचीनी पत्ती भी है, सब दुनिया भर के खर्चे। आप गौर कीजिए, अब इमाम साहब मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े हैं नियत बांधे हुए नमाज की, अब पढ़ रहे हैं सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारा कस्मो का वता वाला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अब सुभाना जब खत्म हुआ तो इमाम साहब मन मन में सोच रहे हैं, यार कोई मर भी तो नहीं रहा है, 40वां हो जाता कुछ रुपए मिलते खर्चा चल जाता, यार किसी की शादी भी तो नहीं हो रही है निकाह पढ़ाने के लिए मिल जाता। इमाम साहब खड़े हैं मुसल्ले पे सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं 40वां, खड़े हैं मुसल्ले पे पढ़ा रहे हैं निकाह। कसम खुदा की अगर तुम लोगों ने अपने इमाम की तनख्वाहें माकूल रखी होती तो तुम्हारा इमाम जहां होता इमाम की नीयत भी वही होती, तुम्हारा इमाम जहां होता इमाम का दिल भी वही होता, तुम्हारा इमाम जहां होता इमाम का ख्याल भी वही होता। इमामों की तनख्वाहें बढ़ाओ, मिला करो, हर हफ्ते मामूल बना लो। जब तुम कमाते हो हजारों कमाते हो, मामूल बना लो कि हर महीने में इमाम साहब को गौसे आजम की तरफ से 11 रुपए दूंगा या 1100 रुपए दूंगा या 500 रुपए दूंगा। महीने में तुमको तनख्वाह मिले 10000, महीने में तुमको तनख्वाह मिले 15000, 8000, 8000 में से 100 रुपए चुपके से जाओ इमाम साहब से मुसाफा करके आ जाओ। अगर बस्ती में 100 घर हैं सबके सब 100-100 रुपए से मुसाफा करेंगे, हिसाब जोड़ आप लेना रुपए कितने हो जाएंगे, इमाम साहब का काम हो जाएगा। मैं कहना यह चाहता हूँ इतना बड़ा इमाम, कभी तुमने सोचा, तुम लोग अपने बिस्तर पे सोते रहते हो फजर की नमाज के वक्त, तुम्हारा इमाम तुम्हारी बस्ती की मस्जिद के मुसल्ले पे बैठ के तुम्हारे लिए दुआ कर रहा होता है, या अल्लाह मेरी बस्ती पे करम फरमा, या अल्लाह इस बस्ती पे रहम फरमा, लोगों के कारोबार में बरकत अता फरमा, इज्जत की हिफाजत फरमा, दौलत की हिफाजत फरमा, आबरू की हिफाजत फरमा, और तुम उसी इमाम के पीछे पड़े रहते हो जो तुम्हारे लिए दुआएं करता रहता है। एक आदमी पड़ा रहता था बहुत इमाम के पीछे, एक दिन पकड़ लिया इमाम साहब ने, अबे फजर की नमाज पढ़ी है, बोला बिल्कुल पढ़ी है। इमाम साहब बोले कह रकते पढ़ी है, बोला 10, का फजर में 10 हो गए रे, कह रहा चलो 15 मान लो, इमाम साहब बोले 15 होती है फजर में, कह रहा चलो 20 मान लो, इमाम साहब बोले पिट जाएगा दिमाग खराब मत कर, मुंह लटकाया हुआ घर गया। बीबी बोली कैसे मुंह लटकाए फिर रहे हो, कहने लगा रे इमाम साहब ने पकड़ लिया, बोले फजर पढ़ी है मैंने, पढ़ी है, उन्होंने रकते पूछ ली, मैंने 10 बताई, 15 बताई, 20 बताई, 25 तक पहुंच गया, मगर इतना है कड़े इमाम है वो भी माने ही नहीं है। तो बीबी कह रही है, बीबी कह रही है तुम भी तो पागलों जैसी बातें करो, 4 बता देते 4, तो कह रहा तू तो सच में ही पिटवाने वाले काम कर रही है, जो इमाम जिद्दी इमाम 25 में ना माना वो 4 में कैसे मान जाएगा, है 25 में माना नहीं 4 में मान जाएगा, पिटवाने वाले काम कर रही है। इमामों के करीब आओ, इमामों का ख्याल रखो, जब खाना खाने बैठा करो इमाम को फोन कर लिया करो, हजरत खाना खाया नहीं खाया, आया नहीं आया, अगर आया तो क्या आया, अगर तुम्हारे घर कोई अच्छी चीज बना करे इमाम को पहुंचा दिया करो, इमाम का ख्याल रखा करो। बाल काटने की दुकान है, इमाम से बाल तरसवाने के पैसे मत लिया करो, कपड़े सिलने की दुकान है, इमाम के कपड़े फ्री सिल दिया करो, पूरी बस्ती का एक इमाम है क्या नहीं हो सकता, मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। एक इमाम के साथ अगर ये रियायत
की जाए। कोशिश करो अपनी मस्जिद के इमामों को हज कराओ, उम्रे के लिए भेजो, सब मिलकर के कोशिश करो, तो कोई कर रहा काम नहीं है। मैंने बहुत कीमती वक्त ले लिया, आपसे भी मैं माफी चाहता हूँ और मुफ्ती साहब से भी मैं माफी चाहता हूँ, मिंबर शरीफ पे बैठे हुए तमाम लोगों से मैं माफी चाहता हूँ। मेरे दिल की तमन्ना थी, मेरी आरजू थी, इमामों के बड़े बुरे हालात लोगों ने बना दिए, यही वजह है हमारे 50% मौलवियों ने अपना कारोबार शुरू कर दिया, इमामतें छोड़ दी, और इमामों के साथ ऐसे ही रवैया रहा तो कसम खुदा की तुम लोगों के बच्चों को अल्लाह और रसूल का नाम सिखाने वाले लोग मिलना मुश्किल हो जाएंगे। ऐसी हालतें पैदा